डीजल और पेट्रोल लेने के लिए लालों के लिए कतारें लगी हुई हैं। कारण ये है पेट्रोल पंप एसोसिएशन है, उन्होंने आज एक दिन की हड़ताल की है, गोदामों में सर आप कहाँ से आए हो? सर हम दिल्ली से आए हैं, हमें सिरसा की तरफ जाना था, लेकिन हमें आज ही पता चला कि पेट्रोल पंप की हड़ताल है और हमारी गाड़ी में बिल्कुल तेल नहीं है और कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, हमारे मारे फिर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इमरजेंसी के लिए तो कुछ प्रबंध होने चाहिए, हर पेट्रोल पंप पे कम से कम एक तो ये मशीन चालू होनी चाहिए ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो। ये पहले घोषणा करनी चाहिए, गवर्नमेंट को करनी चाहिए। अब न्यूज़ में कहीं छोटी सी न्यूज़ आ गई, पब्लिक को कैसे पता चलेगा? प्राइवेट प्राइवेट एसोसिएशन है तो उनको भी सोचना चाहिए ना, पब्लिक की इतनी परेशानी होती, पब्लिक से वो पैसे कमाते, कम से कम एक मशीन तो चालू रखनी चाहिए या एक दो घंटे की हड़ताल हो सांकेतिक, ऐसा थोड़ी होता है पूरे दिन की हड़ताल होती हो। उनका कहना है कि यार उनका ये कहना है कि जो मार्केट है उसमें नकली डीजल आया हुआ है। बिल्कुल सही है, नकली आया हुआ है, लेकिन आप ये थोड़ी होगी पब्लिक को परेशान कर दोगे, पब्लिक थोड़ी नकली डीजल भेज रही है, एक मशीन तो चालू करो इमरजेंसी के लिए, किसी को इमरजेंसी, कोई बीमार है, किसी को इमरजेंसी में कहीं जाना है, आप बिल्कुल बंद करके बैठे हो तानाशाही की तरह, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इमरजेंसी 2 लीटर तेल तो दे दो, कहीं आगे तक चले जाए, किसी होटल में कमरा लेकर रुक जाए, अब जंगल में सड़क पे कैसे रुके आदमी। कहाँ से आए हो सर आप? सर आगरा से। कहाँ जा रहे हो? सर श्रीगंगानगर। अच्छा, तो किस तरह की परेशानी हो रही सर? ये हम तो टैक्सी ड्राइवर हैं सर, हमें कस्टमर को इसके चक्कर में इतना गाली सुनना पड़ रहा है, इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है, ये सरकार की नीतियों के खिलाफ ही तो सुनना पड़ रहा है हमें। हम तो अपने मेहनत करने के लिए तैयार है, दो पैसे रोटी खवाने के लिए तैयार है, सरकार गलती करती है। अब हमें क्या यहीं पर रात भर रुकना पड़ेगा ना? अब कल खुलेगा, परसों खुलेगा, कब खुलेगा, इसके लिए तो कौन जिम्मेदार है? हमें तो गाड़ी EMI पे है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? इसकी हम तो जिम्मेदार नहीं है ना, सरकार को टैक्स भरने के बाद सारा सब कुछ करने के बाद भी हमें ये सुनना पड़ रहा है।